हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज फर्स्ट है जिसमें मैं आपको ज्योमेट्री के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। और वो कौन से बुक के प्रोवाइड कर रहा हूं, वो बुक का नाम है क्वांटम कैट रिटन बाय सर्वेश के वर्मा। ठीक है, तो दोस्तों ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। अभी जो पैटर्न चल रहे हैं एग्जामिनेशन के, वो इस बुक से मिलते जुलते हैं। और ये बुक आने वाले समय में बहुत अच्छी बुक है, तो इसका आपको इसलिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको लेवल टू के फर्दर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे होंगे पुराने क्वेश्चन, तो वो आप देख लेना। इससे पहले पहले वाले क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। अच्छा, और एक बात का ध्यान रखना, ये ज्योमेट्री की पार्ट 9 है। ठीक है, और मैंने गलती से इससे पहले वाले लेक्चर में 9 डाल दिया, तो वो एक्चुअली में कौन सा लेक्चर है, वो 8वीं लेक्चर है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना आप, वहाँ पे जो 9th वाला होगा वो क्या है, आपको 8वीं लेक्चर है, वो 9th लेक्चर नहीं है। ठीक है, 9th लेक्चर ये है, 9th पार्ट ये है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है इस वीडियो का, इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर सर्कल टचेज इंटरनली द लार्जर सर्कल एट पी एंड पासिस थ्रू ओ एंड द सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल कोड एस पी कट्स द स्मॉलर सर्कल एट आर एंड ओ आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड एस पी। देखो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है ये, ठीक है, बड़ा वाला सर्कल है जिसका सेंटर आपको बोला गया है ओ है। ठीक है, अंदर में ये एक सर्कल है जो कि इंटरनली टच कर रहा है। कहाँ पे टच करता है ये, आपको पी पे टच करता है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट पे टच करता है इंटरनली, पासिस थ्रू द सेंटर ओ और ओ से भी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जो कि सेंटर है। ठीक है, कॉर्ड एस पी को, एस पी को कहाँ पर ये छोटा वाला सर्कल कट करता है, आर पॉइंट पर कट करता है। ठीक है ना, एंड ओ आर इज 4 सेंटीमीटर, ओ आर जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एस पी, एस पी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि, और एक क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लार्जर सर्कल का डायमीटर कितना आपको 10 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियाई कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ एस ओ एस कितना होगा, 5 होगा। उसी तरह से ओ पी भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, बोथ क्या है, डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर है ना। अब देखो ये कॉर्ड है और ये सेंटर से एक हमने क्या किया, ओ आर ड्रॉ किया, किस पे, कॉर्ड एस पी पे। तो कॉर्ड पे कोई भी अगर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं ओ से, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको परपेंडिकुलर होता। तो ये क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैं बोल सकता हूँ ये 4 है, ये 5 है, तो एस आर ऑब्वियस सब बात है कितना होगा, 3 होगा। उसी प्रकार से आर पी कितना होगा, ये भी 3 होगा। तो एस पी हम लोग कितना बोल सकते हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था हमें, सिंपल सा सवाल था, बस समझ लेना था और इसको बना लेना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डी ओ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ओ कितना बोला जा रहा है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड ओ सी कितना बोला गया, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ओ सी है। ठीक है ना, ए सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी, कहाँ गया, हाँ, ए सी इज़ द एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए डी और ए सी ये वाला डायगोनल है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, एंगल बाई सेक्टर, मतलब ये और ये क्या इक्वल है। ठीक है ना, एंड द लेंथ ए डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए बी, ए डी जो है वो किसके बराबर है, आपको ए बी के बराबर है। ठीक है, डी बी इंटरसेक्ट डायगोनल ए सी एट ओ, डी बी जो है वो ए सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, ए सी का हमें क्या बताना है, आपको डायगोनल का लेंथ बताना है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ओ यहाँ पर कुछ नहीं बोला जा रहा कि सेंटर ही क्या है, कुछ नहीं बोला गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर दो कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे, ठीक है, और वो सर्किल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, देखने में चाहे जैसा भी लगे, यह है बहुत सिंपल सा सवाल। एक तो पहला कंसेप्ट ये लगेगा, एक तो ट्रायंगल का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। जैसे ट्रायंगल का कंसेप्ट ये है कि मैं आपको एक फिगर ही बना के समझा देता हूँ। ये एक मैंने ट्रायंगल बना दिया है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, आपको एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिल रहा है, डी पे मिल रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक होता है, तो यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी एंगल बाइसेक्ट करता है और डी पॉइंट पे मिल रहा है सामने, तो ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू होता है बी डी अपॉन में सी डी। ठीक
ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। तो देखो AD और AB क्या दोनों इक्वल है ना, तो इनका साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब OD अगर 8 है तो ये भी क्या होना चाहिए, OB भी 8 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उस तरह से लेता हूँ साइड के रेशियो से, तो OB भी कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो OC हमें 4 दे रखा गया है और OA हमें निकालना है, अगर OA निकल जाएगा तो AC हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट और मैं बताता हूँ, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसमें दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम दे दिया AB एक कॉर्ड है और इसको नाम दे दिया आपको CD, और एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ई पॉइंट पे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, AE इंटू EB इज इक्वल टू होता है CE होगा यहाँ पे इंटू ED, बस यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना। तो जैसे मान लो ये BD एक कॉर्ड है और AC भी एक कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे, तो बस लगा दीजिए ये वाला, मतलब AO इंटू OC इज इक्वल टू कितना होगा, DO इंटू OB होगा भाई। तो AO कितना आया, AO हमें निकालना है, OC कितना है भाई, OC हमारा 4 है, और DO कितना है, DO हमारा 8 है, और OB कितना है हमारा यहाँ पे 8 है, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। तो AO कितने बराबर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। AO कितने बराबर हो गया, 16 सेंटीमीटर। AO जब 16 सेंटीमीटर बराबर हो गए तो AC कितना कैसे निकल सकते हैं, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO प्लस OC होगा। AO कितना आपको 16 है और OC कितना है, 4 है, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैंने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाया, दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों को मैंने यहाँ पे जो लगाया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला सवाल करते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAD इज इक्वल टू A, मतलब ये वाला कितना A के बराबर है, एंगल ABC कितने बराबर है, B के बराबर है, एंड एंगल BCD ये कितने बराबर है, C के बराबर है, ठीक है, एंड एंगल ADC कितने बराबर है, ये D के बराबर है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ AC और D। देखो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, देखो किसी को भी एक्सटेंड कर दो आप, CD को भी एक्सटेंड कर सकते हो, BC को भी, जिससे भी आप चाहो उसको एक्सटेंड कर, मैं BC को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। BC को एक्सटेंड करके यहाँ पे समहाउ टच कर दिया, ठीक है, टच कर दिया ना, देखो, और इसको नाम दे दो, कोई एक ई नाम दे दिया इस पॉइंट को, ठीक है ना, ई नाम दे दिया। अच्छा एक चीज़ बताना, अगर मैं बात करता हूँ BAE ट्राइंगल की, तो इसमें ये वाला जो एंगल क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल का अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा ना, और ये एक्सटर्नल एंगल किसके सम के बराबर होगा, अपोजिट टू इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब A+B होगा ये, तो यहाँ पे लिख दिया हमने A+B, ठीक है। तो सी, अब देखो मैं CED ट्रायंगल की बात करता हूँ, जब CED ट्रायंगल की बात करता हूँ तो एंगल C यहाँ पे जो है वो क्या एक्सटर्नल है ना, और ये एक्सटर्नल जो होगा वो अपोजिट दो के क्या होगा, सम के बराबर होगा, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ सी इज इक्वल टू D+A+B बोल सकता हूँ ना। अब मुझे निकालना कौन सा, आपको ABC एंगल निकालना है, ABC निकालना मतलब कौन सा निकालना, B निकालना ना, तो B देखो यहाँ पर है, तो B इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, C-D+A बोल सकता हूँ ना ये चीज़, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C-D+A, देखिए कौन सा ऑप्शन है, A ऑप्शन है, A ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये काफ़ी सुंदर सा सवाल है और मैं चाहूँगा पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है, और फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखें, पॉज करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करना, ठीक है। चलिए देखिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, इन द गिवन डाइग्राम CT इज़ ए टेंजेंट ऑफ ट्राइंगल ऑफ टेंजेंट एट सी, ठीक है। CT एक टेंजेंट है जो कि कौन से पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल π/4, ठीक है, मेकिंग एन एंगल π/4 विद CD, CD के साथ कितने का एंगल बना था, π/4, मतलब ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा,
पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सी डी, सी डी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो देखो मैं सी डी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल सकता हूँ, ओ बी क्या परपेंडिकुलर है सी डी पे, सी डी क्या आपको कॉर्ड है, तो जो भी परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, तो उसको क्या करता, हाफ ऑफ बांटता, तो मतलब ये 5 होगा और ये भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अब ये बात क्लियर है जब आपको ये 5 है। अब देखो आगे बढ़ते, व्हाट इज़ द पेरीमीटर शेडेड रीजन, मतलब ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको रंगूंगा नहीं, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा इसलिए मैं रंगता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ लिखना, मैं फिगर्स यहाँ आपको बता दूंगा। ठीक है, आप बस याद ध्यान रखना कि हमको ए ओ सी का क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना। जब ए ओ सी का पेरीमीटर निकालना, मतलब क्या निकालना होगा हमको, ओ सी का लेंथ, ए ओ का लेंथ और ए सी का लेंथ, अगर तीनों का अगर मैं लेंथ निकाल लूँ तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, ये देखो यहाँ पे 45 डिग्री है। अच्छा, ये पूरा एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ गए होंगे आप, ये पूरा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओ सी जो होगा परपेंडिकुलर होगा सी टी पे, तो देखिए ये 45 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 45 होगा। ठीक है ना, ये 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, मैं इसको ट्रायंगल को थोड़ा अलग से बना देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत छोटा सा फिगर है। देखो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना, और इसको मैंने इस साइड लेते हैं इस तरह से, ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये क्या हो जाएगा आपको बी। ठीक है, और ये हो गया आपको ओ पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओ पॉइंट हो गया। अच्छा देखो, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे, तो ये 5 है, ये कितना बोला, 45 डिग्री है। ठीक है, यही चीज़ बोला मैंने, ये परपेंडिकुलर थी, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा बचा हुआ एंगल। तो ये 5 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना। उसी प्रकार से ये 5 हो गया और ये 5 हो गया 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि सी ओ जो होगा 5√2 होगा। ठीक है, अच्छा ओ सी और ओ ए क्या होंगे, रेडियस होंगे ना। देखो यहाँ से ओ सेंटर था, तो ओ ए और ओ सी क्या होंगे, रेडियस होगा, तो दोनों रेडियस तो क्या इक्वल होंगे ना, तो ओ ए भी कितना होना चाहिए, 5√2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम पूरे इस ट्राइंगल की बात करते हैं। अब ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल में ए सी के हाइपोटेन्यूज हैं और ए बी क्या आपको परपेंडिकुलर है और ए बी सी क्या आपको बेस है ना, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना ये चीज़। ठीक है, अब चलिए इसमें लगाते हैं हम लोग ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर है, आप वैसे ही रहने दो क्योंकि ए सी हमको निकालना ही है। बी सी, बी सी कितना निकाला हुआ, बी सी हमारा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख लिया। अच्छा ए बी कितना हो जाएगा, ओ ए 5 है, सॉरी ओ बी 5 है और ओ ए कितना, 5√2 है, दोनों का जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 25। अच्छा इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते तो ये 25 हो गया और ये 5 दूना 25 दूना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस में क्या, 2 5 10 50√2 टूट गया। ठीक है, अच्छा ये सब मिल के कितना दे देगा, 100 दे देगा ना हमको, 25 25 50, और ये कितना, 50√2 हो गया भाई, 50√2। अच्छा रूट टू का हमें देखो यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के, तो चलो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं कि रूट टू का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है ना, मैं 1.5 ले लेता हूँ, तो 1.5 से अगर गुना किया 50 को तो कितना होगा, 75 हो जाएगा, तो ये टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा, 175। ठीक है, 175 हो जाएगा। अब देखो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, √175। ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, √175। अब देखो 175 के आसपास कोई ऐसा सोचो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो सबसे पास में हमारा क्या, 169 ही है ना, तो यहाँ पर हम चुपचाप क्या लेते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। ठीक है, ए सी कितना आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ए सी कितना आ गया, 13। अब हमको क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, 5√2 प्लस 5√2 और प्लस में कितना लिख लेंगे यहाँ पे, 13। ठीक है, अब चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो 5 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 5 10 हो गया, 10 इंटू क्या होगा, 1.414, यहाँ क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1.414 और प्लस में कितना हो जाएगा, 13, तो ये कितना दे देगा यहाँ पे, 14 दे देगा ना, प्लस 13,
एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना हमें, और ये कितना आ जाएगा 27, 27 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका आंसर कितना होगा 27 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है, और ये सवाल ये है कि इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए सी इज़ द डायमीटर एंड एंगल ए डी बी इज़ 120 डिग्री। मतलब ए डी बी ये कितना दिया हुआ आपको, 120 डिग्री। ठीक है ना, इसको 120 डिग्री बना दिया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर। ओ क्या है, सेंटर है ना, और ए सी क्या है, डायमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ ए होगा 6 और ये भी होगा 6, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है सर्कल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का आपसे एरिया पूछा जा रहा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये एक तो सबसे पहले जान लो ए डी बी सी क्या, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 120 है, तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए ना 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखो, ए सी क्या हमारा डायमीटर है सर्कल का, और ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है सेमी सर्कल में, है ना भाई, सेमी सर्कल में ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, अच्छा ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो अगर मुझे ए बी पता चल जाए और बी सी पता चल जाए तो मैं आसानी से एरिया निकाल लूँगा, निकाल लूँगा ना भाई। तो देखो इसको एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा 12 है, और एक चीज़ दिमाग में मान के चलो हम लोगों को निकालना क्या है, ए बी निकालना और बी सी निकालना। देखो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मैं रेशियो अगर लेता हूँ, चलो इसका एक फिगर मैं अलग से बना देता हूँ, अगर मैं एक रेशियो लेता हूँ, देखिए ये ऐसे है फिगर कुछ, ठीक है, ये कितना आपको 60 डिग्री बोला गया, ठीक है, और ये कितना बोला गया, 30 डिग्री बोला गया। ठीक है ना, और ये कितना दिया, वो 12 दिया हो। तो अगर मैं रेशियो अगर लेता हूँ तो ये कितने के बराबर होगा, रूट 3 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपको, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना और ए बी निकालना है। ठीक है, तो देखो 2 कितने के बराबर है आपको, 12 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी निकालना है मुझे, तो ए बी कितना है, रूट 3 है ना, तो रूट 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 6√3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, 1 की वैल्यू भी आ गई, रूट 3 की वैल्यू भी आ गई। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, हाफ यहाँ पे ले लिया, बेस कितना है बी, ये ले लेते हैं, तो रूट 3 कितना आया था, 6√3 लिख लिया, और हाइट कितना आया था, हाइट बी सी है, बी सी कितना, 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो 18√3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आज जितने भी मैंने इस वीडियो में सवाल कराए आपको, सारे ही सवाल आपको समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ भी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं, और एट लास्ट थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।